तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव। और अभी काफ़ी टाइम तो हेलो गाइस, बहुत टाइम से मैंने आपको दिखाया था कि मैं कुर्ती लाई थी, कुर्ती का कपड़ा मतलब पूरा सेट लाई थी, प्लाजो और कुर्ती का कपड़ा। बहुत टाइम हो गया सिला नहीं है, अब होली भी आने वाली है, उसके बाद आने वाले हैं नवरात्रे, तो मैं नवरात्रि के लिए ही लाई थी स्पेशली। तो गाइस अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ, ये है मेरा सूट, तो सोच रही हूँ कटिंग करके रख देती हूँ, जिस दिन भी मेरे को सिलना होगा, जब मेरे को लगेगा टाइम मिलेगा या जब भी सिलना होगा मैं इसको सिल दूंगी। तो गाइस चलिए फटाफट से इसकी कटिंग करते हैं और देखते हैं ये कैसा बनता है। खोल के किया स्टार्ट और यहाँ मैंने देखा कि मेरे कपड़े में थोड़ा सा जो लेंथ थी ना तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ था कपड़ा, तो फिर मैंने उसको सीधा किया और जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी कपड़ा सेम उतना ही फिट बैठ रहा था। तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मुझे ज़्यादा शॉर्ट कपड़े कुर्ती वगैरह पसंद है नहीं, मैं लॉन्ग ही पहनती हूँ ज़्यादा, मतलब पहले से जब से पहनना शुरू किया मैं लॉन्ग ही पहनती हूँ, मुझे लॉन्ग ही पसंद आती है, मुझे शॉर्ट बहुत कम पसंद आते हैं, बस वो होता है ना कभी कभी मजबूरी हो जाती है तो चलो चल जाएगा, अदरवाइज़ मैं नहीं पहनती हूँ शॉर्ट, ऑलमोस्ट मैं लॉन्ग कुर्ते ही पहनती हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो फिट नहीं बैठेगा, मुझे तो पसंद नहीं आएगा ऐसा, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले इसको करते हैं, देखते हैं लेंथ इसकी कितनी बैठती है। तो मैंने अच्छे से इसको चेक किया कि कहाँ कहाँ से अपना जुगाड़ लगा सकती हूँ, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था वो था लंबाई में था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कोई कपड़ा जोड़ भी नहीं सकती थी और ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा था भी नहीं, क्योंकि 2 मीटर में मुझे बाजू भी बनानी थी, बाजू के साथ साथ मुझे इसकी मतलब लंबाई का भी देखना था कि मेरा फिट बैठना चाहिए। तो फिर मैंने इस सूट से नापा कि मेरे इस सूट के बराबर है या नहीं है, तो देखा तो मेरा ये सूट जो लंबा हो रहा था और वो थोड़ा छोटा हो रहा था, तो फिर मैंने अपना और दिमाग दौड़ाया कि मैंने कहा इधर उधर तो कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि पहले निशान लगाती हूँ और नीचे का जो मतलब जो मेरी लेंथ कम पड़ रही है मैं उसमें क्या करूँगी, साइड से जो कपड़े बचे हुए हैं मैं उसको जोड़ दूँगी और जोड़ने के बाद मैं उनको अंदर मोड़ दूँगी, तो तुरपाई करूँगी उसको मोड़ दूँगी, तो मेरा जितना फिक्स कब बैठ रहा है सेम उतना ही बैठेगा, इससे छोटा तो मैं पहन नहीं सकती हूँ, मेरे को पहनने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना जैसे हम कुर्ती को जींस में भी पहन लेते हैं और लेगी में भी पहन लेते हैं, वैसे मैं तो बहुत कम ही पहनती हूँ ऐसी चीज़ें, मतलब लेगी वगैरह के साथ बहुत कम पहनती हूँ, तो जो बनाऊँगी पैंट वगैरह उसी के साथ पहनती हूँ। तो मैंने दिमाग लगाया तो फिर मैंने सोचा पर निशान लगा लेती हूँ, और मेरा वेट थोड़ा बढ़ता है कम होता है तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा कितना है, तो मुझे मेरा नाप पता था तो मैं अपना नाप ऐसी लगा ले रही थी, बस थोड़ा बहुत प्लाजो में मैं अपना ट्राई कर लेती हूँ कि मुझे मतलब इसके पैंचे कितने बनाने हैं या मोरी मतलब मोरी वगैरह का देख लेती हूँ, अदरवाइज़ तो बाकी मुझे तो सूट का तो हमेशा कन्फर्म ही रहता है कि मेरा इतना ही है करके, क्योंकि मैं यहाँ पे आके थोड़े फैले फैले पहनने लगी प्लाजो, वरना मैं पहले फैले नहीं पहनती थी, पैंट वाली पहनती थी और घर में पहन लेती थी, मतलब प्लाजो वो रेडीमेड आ जाते थे तो उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं थी कभी, घर में पहने ही नहीं ऐसा। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना दिमाग लगा लोगों के, फिर मैंने लगाया कि और मैं थोड़े कपड़े लूज़ ही पहनती हूँ, मुझे टाइट बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि अभी जो मैंने सूट बनाया है जो ये सिल रही हूँ और इसको ऐसे सिलूंगी कि अभी मैं पतली भी हो जाऊँगी ना तो फिर इतना बुरा भी नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा कम भी हो जाएगा, मतलब थोड़ा लूज़ हो जाएगा तो बुरा नहीं लगेगा, ठीक लगेगा, तो इस वजह से मैं थोड़ा लूज ही छोड़ती हूँ, कपड़ा थोड़ा अंदर छोड़ती हूँ, ताकि कभी मोटे पतले होते रहो ना तो ऐसा ना हो कि उसको हम पहन ही ना पाए, अगर हम थोड़े मोटे हो जाएंगे तो उसको मैं खोल सकती हूँ और अगर पतले हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का तो लूज़ भी चल जाता है, मुझे तो दिक्कत नहीं होती है, मेरा फिक्स ऐसा नहीं होता है कि मैं सेम मतलब जितने मतलब बिल्कुल फिट कपड़े पहनूं, मुझे थोड़ा भी लूज नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं करती। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग है जो मेरा नाप था मैंने उसके अकॉर्डिंग निशान लगाया और मेरे को बहुत अच्छे से पता है इसका, तो इसका तो मैंने रट्ठा मार रखा है कि मतलब मेरा नाप का कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो फिर मैंने साइड को जुगाड़ पानी लगा के अपना यहाँ पे मैं निशान लगा, तो गाइज मैंने लगाया थोड़ा सा जुगाड़, मेरे जो सूट कुर्ता लिया था उसका थोड़ा जो लेंथ थी वो कम थी, तो मैंने क्या काम किया मतलब जितना उसकी लेंथ आ रही थी मुझे उतना ही सूट चाहिए था, तो फिर मैंने ये 2 इंच का नीचे का जो मोड़ते हैं नीचे वाला एरिया उसको काट लिया, अब मैं इसको जोड़ के उसमें सिल दूँगी और गाइज फिर मेरा सूट बिल्कुल फिट बैठेगा, अब देखते हैं कैसा बनता है। तो गाइज चलिए फाइनली मेरे सूट को सिलना शुरू करते हैं और मैंने उसका गला वगैरह जो है गाइस काट लिया है, उसका गला मैं काट चुकी हूँ और ये देखिए गाइस ये है मेरी मशीन, फटाफट से अपना सूट सिलना शुरू करती हूँ, ये है मेरा सूट, जो कि आपको मैंने दिखाया था पहले काट चुकी थी, और ये है
इसके गले। पहले इसको जोड़ने के लिए इसमें सिलाई लगाएंगे। मेहनत का काम है, करना पड़ेगा, बट क्या करें, करने के बाद फिर रिजल्ट अच्छा मिलेगा ना इसका, तो अच्छा लगेगा। हाथ की मशीनों में कुछ भी होता है। शुरू कर दिया था अपने सूट का गला, और मैं पहले ही इसको बुकरम में काट चुकी थी, क्योंकि मेरे को बुकरम में ही काट के बनाती हूँ। वैसे तो पीछे वाला गला जो होता है तो वो मैं कपड़े में बना लेती हूँ, पर मैंने सोचा कि इसको भी बुकरम में ही बनाती हूँ, थोड़ा सा डीप करती हूँ। ज़्यादा तो डीप मैं पहनती नहीं हूँ, तो नॉर्मल पहन लेती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, सात छः ऐसे पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना गला, पता नहीं है गोल है टेढ़ा है मेढ़ा है, बन चुका है, ये बन चुका है। और फिलहाल मैं इसको मतलब साइड करती हूँ, बैक साइड का बनाती हूँ, और फिर दिखाती हूँ कैसा बना है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो गाइस देखिए, मेरा ये कुर्ता ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि अभी मैंने इसमें से बाजू लगानी बाकी है। ये देखिए, बाजू नहीं लगाई है, और यहाँ से ये बना चुकी हूँ। और ये मेरा थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो मैं जोड़ लिया इसको अंदर मोड़ के, और अच्छा लगेगा। तो देखिए गाइस, मेरा कुर्ता अभी जब पूरा बन जाएगा, फिर मैं आपको इसको ट्राई करके भी दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। तो गाइस फिर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा ये प्लाजो कट चुका है, और मैंने इसकी थोड़ी ये काट दिया है पहले ही, निशान आप देख सकते हैं लगा हुआ। अब इसको सिलना है मुझे, बस मेरा कुर्ता आधा अधूरा पड़ा है, पहले इसको सिलूंगी, फिर थोड़ा कुर्ता कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मुझे पहनना है ये नवरात्रों में, तो फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा गाइस ये। तो गाइस फिर मिलते हैं। लोगों को दिखाया कि मैं पहले ही अपना नाइट में ही प्लाजो काट चुकी थी, और काट के मैंने रख दिया था, क्योंकि ये बहुत टाइम मतलब ऐसा हो रहा था कि कब सिलना है कुछ फिक्स ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा काट देती हूँ जब जो सिलती हूँ, मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो गाइस मैंने अपना प्लाजो सिंपल तरह से काटा था, बहुत सिंपल तरह से। मैं वैसे आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि मेरा फ़ोन रख के से रिकॉर्ड करती हूँ, तो उसमें सब अलग उल्टा सा दिखता है ना, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं सकती अच्छे से। तो बस जैसा दिखा मैंने वैसे ही बना दिया। तो गाइस यहाँ पर मैं अपना प्लाजो सिलने लग गई थी, और मुझे प्लाजो सिल के फटाफट से अपना ये सिल के देखना भी था कि मेरे को फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, दोनों चीज़ें चेक करनी थी। तो जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि अब आने वाले हैं नवरात्रि, तो नवरात्रों में तो इसको मुझे इसका उद्घाटन करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि फटाफट से क्यों ना इसको सिल के ख़त्म करूँ, ताकि मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाए कि मुझे सिलना है करके। तो फिर मैंने यहाँ पर आज जल्दी उठ के नाश्ता वगैरह करके अपना ये काम करना शुरू कर दिया था। बस इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, क्योंकि काट के रख दो तो सिर्फ 1.5 घंटा ही लगता है। me
मेरे दोनों कपड़े हो चुके हैं सिल के तैयार, बस मुझे कुर्ती में तुरपाई करनी है। तो तुरपाई तो मैं आराम आराम से जब मन चाहे करती रहूँगी। और यहाँ मेरा साइड को प्लाजो भी बन के तैयार है, और आप देखिए मेरी ये सूट की बाजू ये भी तैयार है, और पूरा सूट मेरा हो चुका है तैयार। तो गाइज़ ये सूट मेरा कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताना। मैंने बहुत मेहनत से सिला है, कम से कम इसको सिलने में ना मुझे 5-6 दिन से भी ज़्यादा, मतलब बीच में ब्रेक ले के मैंने सिला है, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है इसको सिलने के बाद, क्योंकि कपड़े पड़े रहते हैं ना, फिर टेंशन होती रहती है कि इनको सिलना भी है करके। तो देखिए गाइज बहुत कंफर्टेबल प्लाजो बनाया मेरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज मेरा सूट कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, गुड नाइट, टेक केयर।